एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो क्या होता है, रेस्पिरेशन के क्या प्रोसेस होते हैं, रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का और लंग्स कैपेसिटी क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम अपने आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो क्या है, तो हमारी बॉडी में हर एक सेल को अपना काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो CO2 और H2O के फॉर्म में निकालती हैं। तो जो सेल्स है उनको O2 प्रोवाइड करना और वहां से CO2 निकाल के बाहर करना, इस काम को जो सिस्टम करता है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। और वो इस काम को करता कैसे है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो ये काम करता है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो शुरू होता है हमारे माउथ और नोज से, क्योंकि हम जो एयर को इनहेल करते हैं वो करते हैं माउथ और नोज से। हम जो इनहेल करते हैं वो एयर होती है, ना कि सिर्फ ऑक्सीजन। हम सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करते, हम पूरी जो भी एयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको इनहेल करते हैं। यहाँ पे जो हमारा नोज और माउथ है यहाँ से हम एयर को इनहेल करते हैं, फिर जो एयर है वो आती है यहाँ पर नेजल पैसेज में। जो हमारी नोज है उसमें दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और वहां पर जो है हेयर्स होते हैं छोटे छोटे। उनका काम ये होता है कि जो भी एयर हम इनहेल करते हैं उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल है या फिर जो भी पैथोजेंस है वो अर्ली स्टेज पे उनको वहां पे रोक देता है और उस एयर को मॉइस्ट कर देता है। उसके बाद ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है वो हमारे माउथ और नोज दोनों से जुड़ा हुआ होता है। फेरिंक्स जो है वो कॉमन पैसेज होता है हमारे फूड के लिए, या जो हम खाते हैं, हम जो पीते हैं, या जो हम सांस लेते हैं, उन सब के लिए कॉमन पैसेज होता है हमारा फेरिंक्स। उसके बाद आता है हमारा लैरिंक्स और एपिग्लॉटिस। लैरिंक्स को हम साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो लैरिंक्स है उसे साउंड बॉक्स कहा जाता है या फिर साउंड बॉक्स के नाम से कौन सा ऑर्गन जाना जाता है। जो लैरिंक्स है जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, यहाँ पर वॉइस का प्रोडक्शन होता है। वॉइस के प्रोडक्शन के लिए आपको एयर की जरूरत होती है, जब एयर ही होगी तभी वहां पर वॉइस का प्रोडक्शन होगा। और यहाँ पर होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस काम क्या करता है, फेरिंक्स जो है वो तो कॉमन पैसेज है, वहां से हमारा खाना पीना भी आता है और हमारी एयर भी आती है, बट एपिग्लॉटिस जो है वो उन दोनों को सेपरेट करता है कि जो हमारा खाना है वो जाएगा फूड पाइप में और जो हमारी एयर है वो आएगी ट्रैकिया में। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप खाते खाते बात करने लगो तो आपको खांसी आने लगती है, इट इज जस्ट बिकॉज कि जो आपका एपिग्लॉटिस है, जो आपका खाना जाना चाहिए था फूड पाइप में वो गलती से आपके विंड पाइप में जाने लगता है, इसलिए आपको खांसी आती है और वो जो खाना है वो बाहर आ जाता है। ये प्रिवेंट करता है कि जो आपका खाना है वो गलती से भी आपके विंड पाइप में ना जाए। उसके बाद यहाँ पर आते हैं आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया को ही हम विंड पाइप कहते हैं, जिसका कॉमन नेम है दैट इज विंड पाइप, वैसे इसको ट्रैकिया के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर रिंग्स होती है, इन्हें कहते हैं रिब्स ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। ये जो रिंग्स होती है इनका काम ये होता है कि जो ट्रैकिया की मसल्स है वो कोलैप्स ना हो और उनको फोर्स प्रोवाइड करती है। फिर जो ट्रैकिया है यहाँ पर आके दो भाग में बढ़ जाता है और इसे हम कहते हैं ब्रोंकस। जो ट्रैकिया है यहाँ पर आके दो भाग में बढ़ जाता है, एक जो है राइट लंग में चला जाता है और एक है वो लेफ्ट लंग में चला जाता है। जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा छोटा होता है क्योंकि उसमें सिर्फ दो लोब्स होते हैं, और जो राइट लंग है वो बड़ा होता है क्योंकि वहां पर 3 लोब्स होते हैं। फिर जो ब्रोंकस है वो सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस में डिवाइड होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है, और लास्ट में ये होता है ब्रोंकियोल्स। तो यहाँ से ब्रोंकस से शुरू होता है, इसकी ब्रांचेस होते होते ये हो जाता है ब्रोंकियोल्स। फिर ब्रोंकियोल्स के बाद आता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है वो आखिरी स्टेप है जहां तक आपकी जो एयर है वो आती है। इसके बाद यहाँ पर होती है कैपिलरीज, और जो कैपिलरीज है उनमें ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी जो कैपिलरीज है उसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से आता है, और यहाँ पर जो एल्वियोलाई है जिसमें एयर आई हुई है जो ऑक्सीजन रिच है वो यहाँ पर इस O2 ले लेता है, O2 दे देता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस चला जाता है हार्ट में। सो ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन और उनका फंक्शन, इस तरह जो है ये सब काम करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो ब्रीदिंग है उसका मैकेनिज्म किस तरह होता है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। जो रेस्पिरेशन है वो दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की।
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आता है आपका ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग को ही हम कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग का मतलब है सिर्फ एयर को इनहेल करना और एक्सहेल करना। इनहेल और एक्सहेल ये दोनों मिलके बन जाते हैं ब्रीदिंग, और इसको ही हम कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। फिर हम बात करें अगर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है यहाँ पर आप जो सांस लेते हैं वो किस तरह से हमारे एल्वोलाई तक जाती है और फिर वहां से कैसे वो CO2 को लेकर वापस बाहर निकालता है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो शुरू होता है आपके माउथ और नोज से और खत्म होता है आपके एल्वोलाई तक। वहां तक जाना और फिर से वापस आना, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आता है आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का मतलब है कि आप जो ब्रीद करते हैं वो कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर आप रिलैक्स फेज में हैं, तो जब हम रिलैक्स फेज में हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो भी रिलैक्स्ड है। जब हम इनहेल करते हैं तो इनहेल करने में प्रोसेस ये होता है कि जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ खींचता है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है डाउनवर्ड, और हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो अपवर्ड जाती है। मतलब वो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी हमारा जो थोरैकिक वॉल्यूम है, थोरैकिक वॉल्यूम का मतलब हमारे रिब केज के अंदर जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है। वो बढ़ता कैसे है, जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है और जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स है वो ऊपर की तरफ जाती है, तो वहां का वॉल्यूम बढ़ता है। जब हमारे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वहां का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने से जो लंग्स है उसका प्रेशर डिक्रीज होता है और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा है, इसलिए हम जो बाहर की एयर है उसको इनहेल करते हैं। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कि जो हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है डाउनवर्ड, फिर जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं अपवर्ड, इसलिए जो आपका चेस्ट है वो फूल जाता है, और जो हमारा वॉल्यूम है वो बढ़ता है, जो प्रेशर है वो कम होता है, और जब प्रेशर अंदर का कम होता है बाहर का ज्यादा होता है तो जो एयर है वो बाहर से अंदर की तरफ आती है, और ये प्रोसेस होता है इनहेल करने में। वैसे ही जब हम एक्सहेल करते हैं तो जो हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अभी क्या है, वो रिलैक्स्ड हो जाता है। डायफ्राम रिलैक्स्ड होता है, हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी रिलैक्स्ड होती हैं, तो जो वहां का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है, और फिर हो जाता है वहां पर एक्सहेल। तो इनहेल और एक्सहेल में यही प्रोसेस है कि जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इंटरकोस्टल मसल्स ऊपर की तरफ गई, वहां का वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, एयर अंदर आ गई, इनहेल। एक्सहेल में इसका उल्टा हुआ कि जो हमारा डायफ्राम है वो रिलैक्स्ड हो गया तो ऊपर चला गया, जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गई, जो प्रेशर है वो ज्यादा हो गया, वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, और हम जो एयर है उसे एक्सहेल कर देते हैं। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और ये होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आप एयर लेते हो और जो एयर है वो लंग्स में जाती है और वहां से बाहर आती है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर बात करें इंटरनल रेस्पिरेशन की, तो यहाँ पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी जो भी आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन जो है वो कम है और CO2 ज्यादा है वो आता है लंग्स में, और यहाँ पर होता है डिफ्यूजन। ये जो है दोनों ही सिंगल सेल होती है, कैपिलरी है, ये एल्वोलाई है, और यहाँ पर जो CO2 है वो चला जाता है इसमें, और जो O2 है वो आ जाता है इस कैपिलरी में, और जो ब्लड है वो हो जाता है ऑक्सीजन रिच। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन ब्लड में गई है ये पूरी बॉडी में जाती है और वहां पर फिर से कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और वो CO2 वहां से कलेक्ट करता है जो उनका वेस्ट है और वो फिर से यहाँ पर आता है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ लंग्स में होता है और जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो पूरी बॉडी में होता है, जो ऑक्सीजन जाती है हर एक टिश्यू में और वहां से वो CO2 को लेता है।
फिर बात करें परसेंट कॉम्पोजिशन ऑफ एयर इनहेल वर्सेस एक्सहेल, मतलब आप जो एयर एक्सहेल करते हो और आप जो एयर इनहेल करते हो उसमें क्या कॉम्पोजिशन में डिफरेंस आ जाता है। तो जब आप इनहेल करते हैं तो आप 79.25% नाइट्रोजन लेते हैं, बट एक्सहेल में वो 75.4% हो जाता है। ऑक्सीजन जो है वो 20.71% है, बट जब आप एक्सहेल करते हैं तो ये कम हो जाता है और हो जाता है 14.6। CO2 जो है आप इनहेल करते हैं 0.04%, बट एक्सहेल करते हैं आप 4%। फिर जो H2O है वो आप इनहेल बहुत कम करते हैं, बट आप 6% के अराउंड H2O जो है वो एक्सहेल करते हैं। फिर बात करें लंग्स कैपेसिटी के बारे में, यानी जो लंग्स है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, वो कितनी एयर इनहेल कर सकता है, एक्सहेल कर सकता है, कितनी उसमें रह जाती है। तो ये एक ग्राफ है जो लंग्स कैपेसिटी को शो करता है कि जो आपकी लंग्स कैपेसिटी है इससे समझी जा सकती है। सबसे पहले हम बात करें टाइडल वॉल्यूम की, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम एंड व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो हम जितनी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं एक ब्रीथ में, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। एक ब्रीथ में हम नॉर्मली 500 ml जो है वो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। सेकेंड बात करते हैं IRV, यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, यानी आपने नॉर्मल एयर इनहेल कर ली, इसके बाद आप कितनी और एयर इनहेल कर सकते हैं, इस कैपेसिटी को बोलते हैं या फिर उस वॉल्यूम के कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि नॉर्मल इनहेलेशन के बाद भी आप जो एयर का वॉल्यूम इनहेल कर सकते हैं, That is inspiratory reserve volume. Second is ERV, यानी expiratory reserve volume. Normal exhalation के बाद आप कितना और volume exhale कर सकते हैं, That is expiratory reserve volume. जो inspiratory reserve volume है उसकी normal value जो है वो 2500 से 3000 ml है, यानी आप जो normal tidal volume के बाद हमारी जो lungs की capacity है, lungs का जो volume है वो 3000 है, और अगर आप फोर्सफुली इंस्पायर करेंगे तो आप 2500 से 3000 ml तक एयर जो है वो और ले सकते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 1000 से 1200 ml। फिर बात करें RV, यानी रेजिडुअल वॉल्यूम की, तो ये वो वॉल्यूम है जिससे आप कभी भी नहीं खत्म कर सकते, वो हमेशा आपके लंग्स में होते हैं। अगर ये रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि 1200 ml है वो लंग्स में नहीं होगी तो आपके लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाएंगे। तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो लंग्स में हमेशा रहती है, आप उसको फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद भी नहीं निकाल सकते। फिर बात करें इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब है कि आप नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर सकते हैं नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद। जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है उसको आप लिख सकते हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी जो टाइडल वॉल्यूम है उसमें हम IRV ऐड कर देंगे तो भी आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है वो आ जाएगी। फिर बात करें एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की, तो ये भी वैसे ही होता है, आप नॉर्मल इनहेलेशन के बाद कितना मैक्सिमम एक्सहेलेशन कर सकते हैं, यानी यहां से यहां तक का जो वॉल्यूम है ये है आपका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम टाइडल वॉल्यूम में ERV ऐड कर देंगे, यानी इसको और इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। फिर बात करें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो जब हम नॉर्मल सांस लेते और छोड़ते हैं तो नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद, नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद हमारे पास जो 2500 ml के अराउंड जो एयर है वो वॉल्यूम हमारे लंग्स में रहता है और उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फिर बात करें वाइटल कैपेसिटी, ये तो वाइटल कैपेसिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स, ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स से पूछा जाता है। वाइटल कैपेसिटी का मतलब आप फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद जो फोर्सफुल इनहेलेशन करेंगे, फोर्सफुल एक्सहेलेशन किया तो आप यहाँ पर पहुंच गए, मतलब आपकी जो लंग्स है उसमें कितना वॉल्यूम बचेगा, सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम अगर आपने फोर्सफुल एक्सहेल कर दिया। अब आपने फोर्सफुल इनहेल किया तो आपका जो लंग वॉल्यूम है वो यहां तक आ गया, तो यहां से यहां तक हो गई आपकी वाइटल कैपेसिटी। फिर आप फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद जो फोर्सफुल एक्सहेलेशन करने की कैपेसिटी है
उसको भी हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। दोनों ही चीज जो है इसे वाइटल कैपेसिटी ही कहा जाता है। वाइटल कैपेसिटी के लिए यहाँ पे लिखा है ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, मतलब जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जो टाइडल वॉल्यूम है और जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, अगर आप तीनों को ऐड कर देंगे तो है वो आ जाएगी। एंड द लास्ट वन इज टोटल लंग कैपेसिटी। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपकी लंग्स में आ सकता है, दैट इज टोटल लंग्स कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर दें तो आ जाता है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लंग कैपेसिटी और रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। फॉर सच मोर वीडियो कीप वॉचिंग टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।